अब्दुल गफ्फार कादरी साहब का। हमारे बीच मौजूद शहर की हर दिल की शख्सियत जनाब अब्दुल गफ्फार कादरी साहब। मैं चाहता हूं कि इस पुरजोश मंच के साथ आप शामिल हो जाए। दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा सबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। होना चाहिए, ये हमारे शहर के अंदर एक मौत की शख्सियत है। अब इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। जिसमें हम बात शरीयत में मदाखिलत की करें, जिसमें हम बात 370 हटाने की करें, और आज हम बात कर रहे हैं CAA और NRC। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को मालूम है कि असलियत में CAA क्या है? हाँ और ना में जवाब दीजिए। आप क्या आप जानते हैं कि CAA क्या है? जोर से बोलिए। CAA जो CAB था, जो एक बिल था जिसको अब एक्ट बना दिया गया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तमाम मुल्क से दिगर मजाहिब के लोग आकर हिंदुस्तान की शहरियत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुसलमान ये लफ्ज़ नहीं है। तो खुले तौर पे दिख रहा है कि ये हमारे दुश्मन हैं, इनको मुसलमानों से दुश्मनी है। तो आज हम सबको बड़ी तादाद में सड़कों पर आकर इनका मुंह तोड़ जवाब देना है। ये शख्सियत जो अपने आप को अब हमारे देश का प्रधान सेवक कहता है, ये पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाता है, लेकिन हिंदुस्तान में बिरयानी बनाने वालों से इनको नफरत। आज हमारे देश की कई मुस्लिम खवातीन, कई माएँ बहनें, कई दिगर मजहब की भी खवातीन एक महीने से हुआ आसाम में तकरीबन 19 लाख लोग आसाम का NRC का नतीजा सामने आए तो 15 लाख हिंदू शहरियत से बाहर थे, 3 से 3.5 लाख मुसलमान वो भी बाहर थे, जो 1.5 लाख मुसलमान शहरियत से बाहर थे उनकी इंतखा हो चुके थे। जब NRC का मसला हुकूमत के समझ में आया कि अपने फांसे में फंस सकता है, तो उन्होंने CAB पार्लियामेंट में पेश किया। CAB क्या चीज है? सिटीजन अमेंडमेंट बिल। हिंदुस्तान के दस्तूर में शहरियत किसको दी जाए ये बिल्कुल वाज़ह है, मगर सिटीजन अमेंडमेंट बिल आने का मकसद ये था कि जो 15 लाख हिंदू NRC के नतीजे में शहरियत से बाहर आए उनको शहरियत दी जाए, और वो जो 3 लाख मुसलमान थे उनको शहरियत ना दी जाए। फंडा क्या बनाया? फंडा ये बनाया कि हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे जो शरणार्थी आते हैं, जो हिंदू हैं, वो पीड़ित हैं, वो मजागम का शिकार है, इसलिए उनको शहरियत दी जाए। मगर सच बात तो ये है, हिंदुस्तान की हुकूमत सेकुलर है। हिंदुस्तान का दस्तूर अपने पहले पेज पर प्रीएम्बल पर लिखता है कि यहाँ पर सब मसावी है, सियासी तौर पर, माशी तौर पर,
विकास के मामले में सब बराबर है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी का वोट एक जाएगा, इसलिए ये जो बिल पेश किया गया इसकी मुखालफत की गई। मैं बड़े फख्र से कहना चाहता हूं, मेरा कायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद बैरिस्टर सुकुत अवैसी ने इस बिल को भरी पार्लियामेंट में फाड़ दिया। मेरे कायद ने उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए जिसपे सीए बिल था, मगर चूंकि पार्लियामेंट में इनकी मेजॉरिटी है, राज्यसभा में भी इन्होंने बिल को पास कर दिया, अब ये सीए भी सीएए हो गया। इनको मदद करने के लिए सीए भी लाया गया है। दोस्तों और साथियों, जब सीएए का कानून पास हुआ तो ये बातें समझ में आई कि एनआरसी में जो मुसलमान दस्तावेज पेश नहीं करेंगे उनको उसके बाहर किया जाए। मगर सच बात तो यह है कि इस देश में 40% आवाम ऐसी भी है जो देहातों में रहती है, जो कबायली है, जो पसमानदा